कोरोना के संक्रमण के प्रकोप कम होते ही रेलवे क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालय खोलने को लेकर केंद्रीय विद्यालय संगठन एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। जहां विद्यालय खोलने को लेकर प्रखंड की स्वयंसेवी संस्था अपना अधिकार अपना सम्मान मंच सचिव संतोषी शेखर द्वारा प्रधानमंत्री केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय और स्थानीय सांसद को पत्र लिखकर चलाए गए अभियान के साथ साथ और स्थानीय सांसद को पत्र लिखकर चलाए गए अभियान के साथ साथ चतरा सांसद सुनील सिंह की पहल से सोमवार को केंद्रीय विद्यालय संगठन के रांची जोन के सहायक आयुक्त के निर्देश पर स्टॉल डी तिर्की के नेतृत्व वाली एक टीम ने बरवाडीह पहुंची। केंद्रीय विद्यालय को लेकर पहुंची टीम ने सबसे पहले विद्यालय निर्माण को लेकर चिन्हित स्टेशन रोड की जमीन का स्टेशन प्रबंधक अनिल कुमार द्विवेदी और अपना अधिकार अपना सम्मान मंच के संस्थापक शशि शेखर के साथ मिलकर निरीक्षण किया, जहां विद्यालय निर्माण को लेकर 7.35 एकड़ जमीन की भौतिक स्थिति का जायजा लेने का काम किया। साथ ही साथ टीम के द्वारा विद्यालय को आने वाले सत्र में खोला जाए इसको लेकर तत्काल संचालन को लेकर रेलवे के पुराने रेलवे स्कूल भवन का भी निरीक्षण करने का काम किया गया, जहां टीम नेट बंद पड़े रेलवे स्कूल के परिसर के साथ साथ स्कूल के कमरे शौचालय खेल मैदान और अन्य चीजों के सत्यापन करते हुए विद्यालय के अस्थायी संचालन को लेकर बेहतर स्थान बताए। टीम का नेतृत्व कर रही प्रिंसिपल डी तिर्की ने बताया कि बरवाडीह जल्द ही केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा, इसको लेकर विभाग के द्वारा प्रक्रिया अंतिम चरण में है। विद्यालय खोले जाने को लेकर स्थानीय सांसद सुनील सिंह लगातार प्रयासरत हैं, जिसके कारण आज केंद्रीय विद्यालय संगठन के सहायक आयुक्त के निर्देश पर हम सभी केंद्रीय विद्यालय को लेकर चिन्हित इस भूमि के साथ साथ बंद पड़े रेलवे स्कूल की भौतिक स्थिति का जायजा लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट रांची केंद्रीय विद्यालय संगठन के संयुक्त आयुक्त को सौंपी जाएगी, जिसके बाद वह रिपोर्ट केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली को भेजी जाएगी। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले सत्र में रेलवे स्कूल के पुराने भवन में विद्यालय का संचालन शुरू हो सके। उधर प्रखंड की महिला समाज सेवी और अपना अधिकार अपना सम्मान मंच के सचिव संतोषी शेखर के द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन की टीम के निरीक्षण किए जाने को प्रखंड के लिए सार्थक और सुखद बताते स्थानीय सांसद सुनील सिंह का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि माननीय सांसद के द्वारा क्षेत्र की जन समस्याओं के प्रति ध्यान आकर्षित कराए जाने पर संज्ञान लेते हुए गंभीरता से उस समस्या को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे प्रखंड को केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिलेगी। वर्ष 2018 में टीम ने किया था जायजा। रेलवे के द्वारा केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव के बाद स्थानीय सांसद और अपना अधिकार अपना सम्मान मंच की लगातार चलाए जा रहे हैं। सार्थक अभियान के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन की टीम के द्वारा दिसंबर 2018 में विद्यालय खोलने को लेकर स्थल का निरीक्षण करने का काम किया गया था। इसके बाद सांसद सुनील सिंह के द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने के साथ साथ केंद्रीय विद्यालय के निदेशक से मुलाकात कर कई बार विद्यालय खोलने को लेकर प्रस्ताव देने का काम भी किया गया था, ताकि जल्द से जल्द विद्यालय खोला जाए और क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके। बरवाडीह से सुमित कुमार की रिपोर्ट। निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।